और अब पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां आज दोपहर 3 बजे जवाई नहर खुलेगी। सुमेरपुर आहौर किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी पहुंचेंगे जवाई बांध और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विधि विधान से पूजा अर्चना कर नहर का गेट खोला जाएगा। किसानों को इस बार सिंचाई के लिए 4400 MCFT पानी दिया और किसानों को इस बार कुल 4 पाण मिलेगा, जिसमें 22-22 दिन पानी की पाण होगी। मंगलवार सुबह तक किसानों के खेतों में जवाई बांध का पानी पहुंचेगा। जवाई कमान क्षेत्र 4-5 पानी से 38,671 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। पहली बार किसानों को बिना धरना प्रदर्शन के 4400 MCFT पानी मिला। जवाई बांध में आज का गेज 61 फीट के करीब पहुंचा है और बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है। किसानों को तीसरी बार लगातार जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। पेयजल के लिए इस बार 2723 MCFT पानी आरक्षित है, तो किसानों के लिए निश्चित तौर पर बेहद खुशी की बात है। और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ गेट खोले जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अरविंद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, किसानों के लिए बेहद खुशी की बात है और अगर आज के गेज की भी बात करें तो 61 फीट पहुंचा है बांध का, तो निश्चित तौर पर पानी की कोई समस्या नहीं। किसानों के लिए उनकी फसलों के लिए सिंचाई के लिए पूरा पानी उपलब्ध होगा। बिल्कुल, मैं मनीषा जी आपको बताना चाहूंगा कि इस बार किसानों को 4400 MCFT पानी मिला है। किसानों ने बिना धरना प्रदर्शन किए पहली बार इस तरह का देखने को मिला कि उनको पर्याप्त पानी मिला है। अब किसानों को पानी मिलने से किसानों में काफी खुशी भी देखने को मिली थी। इस बार विभाग के अधिकारियों और संभाग की बैठक में ये निर्णय हुआ था कि 4400 पानी दिया जाए। जवाई बांध पूरी तरह से भर चुका है। जवाई बांध 68 फीट की जो भराव क्षमता है वो भी पार हो चुकी है। जवाई बांध में अब पर्याप्त पानी है। पीने के लिए भी इस बार कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन किसानों को पर्याप्त पानी मिलने से किसान खुश है। आज करीबन 3:15 पर शुभ मुहूर्त में नहर का गेट खोला जाएगा। किसान के संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नहर खोली जाएगी और मंगलवार सुबह खेतों तक पानी पहुंचेगा। उसी साथ ही वाड़ाबंदी शुरू की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवाई बांध से किसानों को लगातार तीसरी बार जवाई बांध से ये पानी मिल रहा है, जिससे किसानों को खेती में भी अच्छी हो रही है और किसानों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जवाई बांध से पानी मिलने से किसानों के जो खेतों तक पहुंचेगा और इस बार नहर की जो सफाई है तो विभाग ने समय पर पूरी करवाई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार नहरों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो टूटी हुई नहर थी उनको भी मरम्मत करवाई है, जिसको लेकर इस बार किसानों को कोई समस्या नहीं आती। लेकिन मुख्य रूप से एक समस्या रहती है कि तेल तक पानी कैसे पहुंचे। कई बार किसानों को तेल तक पानी नहीं पहुंचता था, उसको लेकर नहर के समय में काफी समस्या देखने को मिल रही है। इस बार कैसा इनका मॉनिटरिंग होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अक्षय कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। देखिए, आज दोपहर 3 बजे जवाई नहर खुलने वाली है और इस बार किसानों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वक्त रहा है और कई बार उन्हें पानी मिल गया है, इस बार भी पर्याप्त मात्रा में पानी उनके लिए उपलब्ध होगा। जी मैम, इस बार भी पिछले वर्ष की भांति लगभग 4400 MCFT पानी अपनी सिंचाई के लिए आवंटित हुआ है, जिसको 22-22 दिन की 4 पाण में अभी देना निश्चित किया गया है। जी, आगे आने वाले समय में भी जो सीजन की फसलें होंगी उनके लिए भी क्या किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा? ये बेसिकली किसानों को पानी देना इरिगेशन के लिए एक्चुअली डिपेंड करता है कि अपने कितना रेनफॉल हुआ जी। और पीछे से जो अपने पास 2 फीडर डैम है तो उनमें कितना पानी आ रहा है वो जवाई में डाइवर्ट होता है। तो मैम, अभी एक साल पहले ये प्रेडिक्ट करना कि नेक्स्ट ईयर कितना पानी मिलेगा वो थोड़ा सा अभी संभव नहीं है मैम। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से हमारी जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता से भी बातचीत हुई, इस बार किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने वाला है। किसानों में भी
खुशी की लहर है। आज 3 बजे का वक्त है जब नहर का गेट खोला जाएगा, पूरी विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ।